क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें dy/dt पहले से दिया हुआ है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी हमें दे रखी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी y के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो dy/dt भी आता है। चलो देखते हैं, x हमें दे रखा है y2 + 2y + 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx/dt क्या आएगा, 2y तो आएगा ही आएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, साथ में dy/dt भी आएगा, फिर बेसिकली 2y का 2 आएगा और साथ में dy/dt आएगा और 2 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब 2y, ये 2y आ गया यहाँ पर, और dy/dt की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 5 लिख दिया, और प्लस 2 इंटू ये भी 5 हो गया, ठीक है, dy/dt यहाँ भी 5 लिख दिया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो तभी तो एक्सप्लेनेशन आएगा, एक बार और करो। तो एक बार और करेंगे तो 2y का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, 1, और साथ में dy/dt, तो वो dy/dt कौन होता है, vy, वेलोसिटी ऑफ y, है ना, और 5 एक पहले से लिखा हुआ है और 2 इंटू 5 ये 10 है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 2 vy इंटू 5 आ गया, और vy कितना है, 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10, 10 5 50, तो 50 आंसर आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 50।